रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से चल रहे भीषण युद्ध के परिणाम दुनिया को किस ओर ले जाएंगे, ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इस युद्ध से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है और ऐसे में रूस ने एक और ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, ये कदम अमेरिका के खिलाफ उठाया गया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन को रूस की नागरिकता देने वाली डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब स्नोडन आधिकारिक रूप से रूस के नागरिक बन गए हैं। रूस का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। एडवर्ड स्नोडन को रूस की नागरिकता मिलना मतलब अमेरिका से सीधे तौर पर पंगा लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि एडवर्ड स्नोडन को रूस की नागरिकता मिलने से अमेरिका को क्या दिक्कत होगी, तो आपको बता दें, एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में अमेरिकी रक्षा एजेंसी की गुप्त फाइलों को लीक कर दिया था, जिसके बाद वे चर्चा में आए थे। इन दस्तावेजों के लीक होने की वजह से अमेरिका की छवि को वैश्विक स्तर पर बहुत नुकसान पहुंचा था। उस समय इन खबरों के चलते अमेरिका को बड़ी शर्मिंदगी और आलोचना का सामना करना पड़ा था। यहाँ रूस ने एक कहावत को सच किया है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। स्नोडन की भी कुछ यही कहानी है। दरअसल एडवर्ड स्नोडन पेशे से एक हैकर हैं, जिसने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की नींद उड़ा दी। एडवर्ड स्नोडन की पैदाइश 21 जून 1983 को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुई थी। उसका पूरा नाम एडवर्ड जोसेफ स्नोडन है, जिसका ताल्लुक एक पढ़े लिखे परिवार से है। एडवर्ड के परिवार के सभी सदस्य अमेरिकी सरकार के कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं। दुनिया के सबसे सफल हैकर्स की लिस्ट में शामिल स्नोडन ने कभी भी स्कूल पूरा नहीं किया। इसके बावजूद एडवर्ड की हैकिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। एडवर्ड ने CIA में नौकरी की तो उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के कई खुफिया राज एक्सेस कर लिए। कहा जाता है कि एडवर्ड ने उस दौरान ये जानकारी हासिल कर ली कि ये दोनों देश लोगों के फोन और सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं। एडवर्ड ने इसकी सारी जानकारियां इकट्ठी की और उसे लीक कर दिया। फिर क्या था, रातों रात पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस पूरे बवाल के बाद एडवर्ड स्नोडन को अमेरिका ने भगोड़ा घोषित कर दिया। स्नोडन अमेरिका सहित कई देशों के निशाने पर आ गया। पहले तो वो कुछ समय हांगकांग में रहा, इसके बाद उसने रुख किया रूस की तरफ। शुरुआत में उसे 1 साल की ही अनुमति मिली थी, इसके बाद 3 साल के लिए उसे और देश में रहने की अनुमति मिल गई। और अब जाकर एडवर्ड स्नोडन को राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी नागरिकता दे दी है। लेकिन ये नागरिकता ऐसे वक्त पर आई है जब दोनों देश आमने सामने हैं। अमेरिका हर हाल में एडवर्ड स्नोडन को पकड़ने की फिराक में था, मगर इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ उसका झुकाव और रूस के खिलाफ लगातार विरोध ही एडवर्ड स्नोडन की नागरिकता की वजह बनी।